लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी पर आपका स्वागत है। दिल्ली के निजामुद्दीन में जमात मरकज में फिरोजाबाद के 3 लोग भी दिल्ली में अभी मौजूद हैं, नहीं आए हैं वापस। सीएमओ ने कहा कि इससे पहले आए दिल्ली जमात से 7 लोगों को मस्जिद से पकड़ा और होगी कार्यवाही, और साथ ही किया उन्हें मेडिकल कॉलेज में क्वारंटाइन। देखिए, ऐसा है, ऐसे हमारे पास सूचना आई थी कल, हमने अपनी टीमें भेजी तो हमें एक यहाँ मस्जिद है उसमें 7 व्यक्ति मिले जो कि जमात से लौटे थे। उन 7 को हमने क्वारंटीन करा दिया, अभी उनके सैंपल हो रहे हैं, आज हम सैंपल भेज देंगे और वो उसके खिलाफ मतलब उन्होंने जो भी कार्रवाई है वो की जाएगी। बता दें, दिल्ली के निजामुद्दीन में जमात में मरकज फिरोजाबाद के अलग अलग जगह के 3 लोग ताहिर अब्दुल्ला और नासिर अभी भी दिल्ली में मौजूद हैं। वे फिरोजाबाद नहीं आए हैं। उनके परिवार के लोगों का कहना है कि वह भी वापस नहीं आए हैं। आज ये 3 लोग यहाँ फिरोजाबाद से दिल्ली में हैं, क्या स्थिति है उनकी? ये अपने भाई साहब जमात के अंदर गए थे मरकज में दिल्ली निजामुद्दीन, तो वहाँ से उन्हें जैसे ही ये मालूम हुआ तो वो लोग अभी फिरोजाबाद नहीं आए हुए। कल हम लोग गए थे उनके घर पे, हम समझा के आए उन्हें सबको और ये बात कह दी है कि अगर जैसे ही वो लोग आते हैं तो उनका चेकअप आप पहले कराएं और बाद में इनको जो है घर में रखें। कहाँ कहाँ के रहने वाले? एक तो हैं साहब रामगढ़ क्षेत्र के नेशनल ग्लास के पास, और एक है हमारे झमैया टोले के नक्काशी टोले के, और एक साहब हैं हमारे यहाँ के कोठी नबीगंज के। ये 3 लोग हैं सर। ऐसा तो नहीं कि परिवार के कोई लोग उनसे मिल के आए? अभी तक सर वो फिरोजाबाद नहीं आए, तो अभी कहाँ से उनसे मिलाएंगे? और जाने के लिए लॉक टाइम लगा हुआ है, तो इसलिए कोई भी वहाँ पर अभी नहीं गया। लेकिन वहीं जब इस बारे में सीएमओ से बात की तो उनका कहना था कि दिल्ली जमात से फिरोजाबाद के 7 लोग आए थे जो कि एक मस्जिद में छिपे हुए थे, इनको पकड़ा गया और उन सभी को मेडिकल कॉलेज में क्वारंटाइन किया जा रहा है। इनकी रिपोर्ट के लिए सैंपल भेजा गया है। ये इनके पास जो टिकट है वो रोडवेज बस का है दिल्ली से फिरोजाबाद का, और ये 9 मार्च का है। 9 मार्च को ये दिल्ली से फिरोजाबाद आए, यहाँ ये मस्जिदों में कुछ अपना कर रहे थे, तो वो मस्जिद से हमने इनको ट्रेस किया, पकड़ा है। कुछ संदिग्ध लगते हैं क्या? नहीं, अब ये क्योंकि वहाँ से आए हुए हैं इसीलिए अभी इनको 28 दिन नहीं हुए हैं, इसीलिए हम सब इनको क्वारंटीन करके हम इनकी जाँच करा रहे हैं। खास बात यह भी देखने को मिली कि जो 7 लोग दिल्ली जमात से वापस आए थे उन्होंने अपने आगमन की सूचना भी थाना या मेडिकल कॉलेज को नहीं दी, तो इसीलिए पुलिस ने उन्हें पकड़कर इनको मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है। वहीं जमात के 3 लोग मरकज में जमात में शामिल हुए थे, वह लौटकर नहीं आए हैं। देखिए, हमने इससे निपटने की पूरी तैयारी कर रखी है और हमने अपने वार्ड तैयार कर रखे हैं आइसोलेशन के, क्वारंटीन के लिए सफिशियंट वार्ड हमने तैयार कर रखे हैं, और हमारी टीमें, हमने अपनी टीमें लगा रखी हैं जो कि जैसे ही हमें सूचना मिलती है वहाँ जाती है और उनका स्वास्थ्य परीक्षण करते हैं और उनका इलाज भी वहाँ किया जाता है। सर, फिरोजाबाद में 5-6 लाख लेबर है, तो क्या इन लोगों को आप मुतमईन करेंगे कि अगर किसी को भी कोई परेशानी है तो आपके कंट्रोल रूम पे फोन करें, लाने ले जाने की व्यवस्था गवर्नमेंट की है? जी, वो हमने कई बार अखबार में भी निकलवाया है कि यदि किसी को कोई भी दिक्कत है तो 2 कंट्रोल रूम के नंबर हमारे हैं, एक डीएम साहब के यहाँ सेंट्रली कंट्रोल रूम बना हुआ है, वहाँ भी नंबर है। मेरे पर्सनल नंबर जितने भी अधिकारियों के मैंने सब डिस्पोज ऑफ कर रखे हैं, तो वो कहीं भी किसी भी उस पर सूचना दे सकते हैं।